हेलो फ्रेंड्स, टेक्निक राइज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड। तो आज यहाँ पे हम रेडमी नोट 6 प्रो एंड नोकिया का 5.1 प्लस के कंपेयर करने जा रहे हैं और इसमें बताएंगे फ्रेंड कि कौन सा फ़ोन आपके लिए बेस्ट होगा, किस में आपको पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए और किस में आपको पैसा को इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो सब कुछ बताऊँगा, फुल स्पेसिफिकेशन एंड माई ओपिनियन आपसे शेयर करूँगा। तो इस वीडियो के साथ बने रहना, फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना एंड अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर देना ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए फ्रेंड, आज के कंपेयर हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं ओएस की। बात करें तो यहाँ पर जो आपको रेडमी नोट 6 प्रो में मिलेंगे, आपको ओरियो का 8.1 मिलेंगे। कस्टम यूआई की बात करें तो यहाँ पर MIUI 10 का आपको यहाँ पर सपोर्ट मिल जाएगा। यहीं पे हम बात करें नोकिया 5.1 प्लस की बात करें तो यहाँ पर भी आपको एस ओरियो का 8.1 अपडेट मिलेगा। कस्टम यूआई की बात करें तो आपको एंड्रॉयड 1 मिल जाएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड, यहाँ पर हम इसकी डिज़ाइन एंड कलर एंड वेट की बात करें तो यहाँ पर आपको जो रेडमी नोट 6 प्रो मिलेगा यहाँ पर इसका वेट 181 ग्राम मिलेगा। साथ में इसके कलर की बात कर लें तो यहाँ पे आपको ब्लैक, ब्लू, रेड एंड यहाँ पे रोज गोल्ड मिल जाएगा। ये सब आपको यहाँ पर कलर मिलेंगे। तो यहीं पे हम नोकिया 5.1 प्लस की बात करें तो यहाँ पर जो इसका वेट मिलेगा आपको 151 ग्राम मिलेगा। साथ में हम कलर की बात करें तो आपको ग्लॉस ब्लैक, ग्लॉस व्हाइट एंड यहाँ पर आपको मिड नाइट ब्लैक मिल जाएगा, आपको मिड नाइट ब्लू मिल जाएगा फ्रेंड। तो ये इसके कलर एंड डिजाइन एंड वेट की बात करें। यहाँ पर आप डिस्प्ले की बात करें तो रेडमी नोट 6 प्रो की बात करें डिस्प्ले के तो यहाँ पर आपको 6.26 इंचेस का आपको फुल HD डिस्प्ले मिलेगा। साथ में आपको एक नॉच भी दिया जाएगा। पिक्सल डेंसिटी की बात करें तो यहाँ पर आपको 403 PPI पिक्सल डेंसिटी मिल जाएगा। साथ में आपको गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन है मिलेगा। तो डिस्प्ले के मामले में यहाँ पे रेडमी नोट 6 प्रो की बात करें तो काफ़ी अच्छा है। यहीं पे हम बात कर लेते हैं नोकिया 5.1 प्लस की बात कर लें तो यहाँ पर आपको 5.86 इंचेस का आपको HD डिस्प्ले मिलेगा। साथ में आपको यहाँ पे एक नॉच भी दिया जाएगा। पिक्सल डेंसिटी की बात करें तो यहाँ पर आपको 287 का PPI पिक्सल डेंसिटी मिल जाएगा। तो दोनों के यहाँ पर हम डिस्प्ले में कंपेयर करें तो यहाँ पर Xiaomi का जो रेडमी नोट 6 प्रो है काफ़ी बेटर है एंड नोकिया 5.1 प्लस। तो फिर चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। तो परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पर रेडमी नोट 6 प्रो की बात करें तो यहाँ पर आपको Qualcomm का Snapdragon 636 दिया जा रहा है जो कि काफ़ी अच्छे प्रोसेसर है। साथ में आपको Adreno का GPU मिलेगा जो कि 509 का GPU मिलेगा फ्रेंड्स। एंड यहाँ पर बात कर लेते हैं नोकिया 5.1 प्लस की बात करें तो यहाँ पर आपको जो परफॉर्मेंस मिलेगा आपको MediaTek का Helio का P60 का प्रोसेसर मिलेगा। साथ में आपको Mali का G72 MP3 का आपको यहाँ पर GPU मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम दोनों यहाँ पे प्रोसेसर के और परफॉर्मेंस की बात करें तो दोनों का जो प्रोसेसर एंड परफॉर्मेंस है दोनों का सेम है, क्योंकि यहाँ पे जो MediaTek का P60 प्रोसेसर है एंड Snapdragon के Qualcomm Snapdragon का 636 प्रोसेसर है दोनों का सेम वर्क है। यहाँ पे जो कि MediaTek में आपको काफ़ी अच्छे यहाँ पे कैमरा सपोर्ट करते हैं एंड यहाँ पर Snapdragon की बात करें तो यहाँ पर आपको बैटरी लाइफ इसमें ज़्यादा मिलती है। तो दोनों प्रोसेसर यहाँ पर लेके चला तो दोनों प्रोसेसर यहाँ पर इक्वल जाती है फ्रेंड्स। तो फिर यहाँ पर हम बात कर लेते हैं स्टोरेज, रैम एंड प्राइस की बात करें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रेडमी नोट 6 प्रो की बात कर लें तो यहाँ पे जो आपको इंडिया में मिलेगी 4GB एंड 64GB की मिलेगी, जिसकी प्राइस की बात करें तो आपको 15,700 देने पड़ेंगे, यानी कि लगभग बात करें तो आपको 16,000 रुपये देने पड़ेंगे फ्रेंड। और फिर यहाँ पे आपको हाइब्रिड सपोर्ट मिलेगा, यानी कि आप एक बार दो सिम लगा सकते हैं या एक सिम एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। यहीं पे हम बात कर लेते हैं नोकिया 5.1 प्लस की बात कर लें तो यहाँ पे आपको इंडिया में आया है 3GB एंड 32GB के साथ आया है, जिसकी प्राइस की बात करें तो यहाँ पे आपको 10,999 देने पड़ेंगे। साथ में इसको में भी आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट का सपोर्ट मिलेगा। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं फाइनली कैमरे की बात करें तो यहाँ पे जो रियर कैमरा आएगा रेडमी नोट 6 प्रो में आएगा, यहाँ पे आपको 12+5 मेगापिक्सल का डबल कैमरा मिलेगा जो कि f1.9 अपर्चर के साथ आएगा, जो काफ़ी अच्छे शॉट लेगा, जो कि आपको लो लाइट में भी अच्छे शॉट ले लेंगे यहाँ पे। यहीं पर हम बात कर लेते हैं नोकिया 5.1 प्लस की बात करें तो यहाँ पर आपको 13+5 मेगापिक्सल का कैमरा आएगा। अपर्चर की बात करें तो f2.0 का अपर्चर आएगा। यहीं पे हम बात कर लेते हैं इसके फ्रंट कैमरे के तो जो यहाँ पे रेडमी नोट 6 प्रो में आएगी यहाँ पे आपको 20+2 मेगापिक्सल के कैमरा मिलेंगे, यानी 2 मेगापिक्सल का कैमरा इसमें अलग से चिपकाया गया है जिसमें आप वोके इफेक्ट ले सकते हैं। अपर्चर की बात करें तो यहाँ पर f2.2 अपर्चर के साथ आएगा फ्रेंड, यहाँ पर आपको कोई भी LED फ्लैश का ऑप्शन नहीं मिलेगा। चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं यहाँ पे नोकिया का 5.1 प्लस की बात कर लें तो यहाँ पे मात्र आपको 8 मेगापिक्सल का फ्रंट में कैमरा मिलेगा f2.2 अपर्चर के साथ, यहाँ पे भी आपको कोई भी LED का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो कैमरा की बात करें तो यहाँ पे रेडमी नोट 6 प्रो काफ़ी हाईफाई कैमरे आ जाते हैं और नोकिया 5.1 प्लस काफ़ी यहाँ पे इसके से लो कैमरे आते हैं, क्योंकि 20 वाट में आप डेंसिटी समझ सकते हैं कितनी फ़र्क पड़ जाती है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर फाइनली बैटरी की बात कर लेते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं रेडमी नोट 6 प्रो की। यहाँ पे
आपको 4000 mAh की बैटरी मिलेगी, साथ में आपको क्विक चार्जिंग मिलेंगे 2.0 वोल्ट के साथ। यहीं पे हम बात कर लेते हैं नोकिया 5.1 प्लस के बारे में, तो यहाँ पे आपको 3060 mAh की बैटरी मिलेगी, साथ में यहाँ पे भी आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाएगा। तो बैटरी की बात करें तो यहाँ पे Redmi Note 6 Pro एक्सेलेंट काफ़ी है नोकिया 5.1 प्लस से। तो फिर ना फाइनली यहाँ पे सेंसर वगैरह की बात करें तो यहाँ पर जो Redmi Note 6 Pro है एंड नोकिया 5.1 प्लस है, दोनों में काफ़ी सारे सेंसर मिल जाएंगे, जैसे कि आपको फिंगरप्रिंट सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, लाइट सेंसर, ये सब वगैरह वगैरह बहुत सारे यहाँ पर सेंसर मिल जाएंगे। तो फिर आप फाइनली इस कंपेयर को तो यहीं पे हम एंड करते हैं। अब हम अपना खुद का ओपिनियन आपसे शेयर करते हैं कि आपको इन दोनों में किस में आपको पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए। तो जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ पे आपको जो कि प्रोसेसर दोनों सेम है, डिस्प्ले की बात करें या थोड़ा सा आगे है Redmi Note 6 Pro एंड यहाँ के नोकिया का 5.1 प्लस है, लेकिन यहाँ पे आपको 4GB एंड 64GB के साथ आएगा, आपको लगभग 16000 देने पड़ेंगे। यहीं पर हम 3GB एंड 32GB की बात करें तो यहाँ पर आपको 11000 देने पड़ेंगे। तो फ्रेंड मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आप थोड़ा सा अच्छे प्राइस में जाना चाहते हैं तो यहाँ पर Redmi Note 6 Pro को लें, कहे कि आपको यहाँ पर 2 से 3 हज़ार तक प्राइस ज़्यादा देने पड़ेंगे एंड यहाँ पे आपको अच्छे डिस्प्ले मिल जाएंगे एंड यहाँ पे अच्छे सेल्फी मिल जाएंगे एंड यहाँ पे आपको अच्छे कैमरे मिल जाएंगे एंड यहाँ पे आपको अच्छे डिस्प्ले मिल जाएंगे। एंड फ्रेंड अगर आपको पास 10 से 11 हज़ार का बजट है, आप उतना महंगे नहीं जाना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको थोड़ी सा आपको डिस्प्ले लो मिलेगी एंड यहाँ पे आपको प्रोसेसर काफ़ी अच्छे मिल जाएंगे और आपको यहाँ पे जो कैमरा है आपको मतलब एवरेज कैमरा मिलेगा। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आप थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा चाहते हैं तो उसमें सब कुछ अच्छा मिलने वाला है, कैमरा, प्रोसेसर, डिस्प्ले, सब कुछ बढ़िया मिलेंगे। तो फ्रेंड बस इस वीडियो में इतना ही था। अगर आप अपना ओपिनियन शेयर करना चाहते हैं तो नीचे मुझे कमेंट कीजिए कि कौन सा फ़ोन बेस्ट रहेगा इस प्राइस में, जैसे कि अब मैंने इस वीडियो में बताया है। तो प्लीज़ नीचे मुझे कमेंट कीजिए यार। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, इसे शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।